अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे हैं, ब्राउन डिस्कलरेशन है, मे बी फॉर टैनिंग या फॉर मिलाज्मा या पिगमेंटेशन की वजह से स्किन में अनइवन स्किन टोन हो गया है, स्किन वैसी नहीं दिखती जो आपकी स्किन पहले दिखा कर रही थी, एकदम से फ्लॉलेस नहीं लगता है, और स्किन में अलग अलग कलर्स के पिगमेंटेशन हो गया है, कोई जगह आपका नेचुरल स्किन टोन अभी भी है एंड कहीं जगह ब्राउन डिस्कलरेशन हो गया, पेरियोरल हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, मतलब माउथ के अराउंड अगर आपको पिगमेंटेशन हो गई, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज आज हम ऐसे टॉप सीरम्स के बारे में बात करेंगे जो आपके स्किन टोन को इवन आउट करेगा, साथ साथ पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन को हटाएगा, मिलाज्मा है मिलाज्मा को हटाएगा, एक्ने मार्क्स है ब्राउन कलर के डिस्कलरेशन हो गए उसको लाइटन करेगा, या रेड कलर के एक्ने डिस्कलरेशन है उसको भी लाइटन करेगा, ये वाले एरिया में भी अगर आपको पिगमेंटेशन है उसको भी लाइटन करेगा। सो वैसे मार्केट में बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स टू गेट रिड ऑफ अनइवन स्किन टोन अवेलेबल है, बट हम सिलेक्टेड और जो टॉप वर्किंग और जो फास्टर रिजल्ट्स देते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो गाइज वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड बिकॉज आपको एंड में ही पता चलेगा कि आपको सारे सीरम्स जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ वो यूज़ करना है या एक ही यूज़ करना है, सो वो आपको एंड में पता चलेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई फर्स्ट एंड फेवरेट सीरम। नाउ वाई दिस इज़ माई फेवरेट, बिकॉज ये एक बहुत जेंटल इन्ग्रीडियंट है, इसका नाम है एजिलिक एसिड एंड बेस्ट पार्ट ये प्रेगनेंसी में भी यूज़ किया जा सकता है एंड लैक्टेशन भी अगर आपका है तब भी यूज़ किया जा सकता है। नाउ प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे वुमेन को हाइपर पिगमेंटेशन या मिलाज्मा, जनरली मिलाज्मा बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से अनइवन स्किन टोन देखा जाता है एंड बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन को ब्राइटन करते हैं, बट प्रेगनेंसी में हम यूज नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी की तो एक पॉइंट हो गई। नेक्स्ट होगी सेंसिटिव स्किन, चाहे आप प्रेगनेंट हो या ना हो, आई नो हाउ इट इज टू बी अ सेंसिटिव स्किन टाइप गर्ल, यू नो आप कुछ भी स्किन में नहीं लगा सकते, आपको कुछ प्रोडक्ट अच्छा लगा एंड यू वॉन्ट टू ट्राई आउट फॉर ब्राइटनेस और फॉर ग्लोइंग स्किन तब भी आप नहीं लगा सकते क्योंकि स्किन में इरिटेशन हो जाती है, तो उनके लिए भी एजिलिक एसिड बहुत अच्छे से काम करेगा। एंड थर्ड, जिनकी स्किन में यू नो रेड कलर के एक्ने मार्क्स होते हैं वो भी सेंसिटिविटी की वजह से होते हैं एंड ऑल्सो स्किन बैरियर जो डैमेज होता है या स्किन बैरियर स्ट्रांग नहीं होता ना, उनका भी रेड रेड एक्ने मार्क्स रह जाती है, या अगर पस वाले एक्ने हो उसकी वजह से भी रेड एक्ने मार्क्स रह जाती है, तो इसमें भी एजिलिक एसिड बहुत हेल्पफुल है क्योंकि वो तो इन्फ्लेमेशन को तो कम करेगा ही करेगा एंड ऑल्सो स्लोली स्लोली इट विल फेड दी रेड एक्ने स्पॉट्स विच वॉज क्रिएटेड बाई एक्ने। वैसे एजिलिक एसिड के तो बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है, बट दिस प्रोडक्ट एज अ ब्राइटनिंग इन्ग्रीडियंट टॉप्स माई लिस्ट एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एज वेल। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अल्फा आरब्यूटीन। नाउ अल्फा आरब्यूटीन इज अगेन वन ऑफ द स्किन ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग एजेंट। ठीक है, स्किन को लाइटन करने के लिए आप कोई भी मार्केट से अभी प्रोडक्ट उठाओगे उसमें अल्फा आरब्यूटीन होगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द सीरम विच हैज़ अल्फा आरब्यूटीन। सो मार्केट में इतने सारे सीरम्स अवेलेबल है, आप अपने फेवरेट ब्रांड का कोई भी यूज़ कर सकते हो। नाउ अल्फा आरब्यूटीन टैनिंग को हटाता है, अगेन मिलाज्मा पिगमेंटेशन पोस्ट एक्ने मार्क्स को लाइट करता है, कोई भी रीजन की वजह से अगर आपकी स्किन में डार्क या ब्राउन पैचेस हो रखे हैं, अल्फा आरब्यूटीन इज व्हाट यू नीड टू लुक आउट, बिकॉज एज आई अर्लियर सेड इट इज अ स्किन लाइटनिंग एजेंट, इट इज गोइंग टू लाइटन ऑल योर ब्राउन डिस्कलरेशन। एंड ऑल्सो अगर आप 18 प्लस हो अल्फा आरब्यूटीन यूज कर सकते हो, बिकॉज इस एज के कैटेगरी में बहुत ज्यादा टैनिंग दिखाई देती है, बिकॉज बच्चे या लड़कियां और अबव 16 और 18 वो कॉलेज जाई करती है या स्कूल जाते हैं जिसकी वजह से टैनिंग हो जाती है ना, तो आप अल्फा आरब्यूटीन बेझिझक यूज कर सकते हो। बट यस, बहुत सारे लोगों के स्किन में एलर्जी की प्रॉब्लम होती है तो पैच टेस्ट करना ना भूलना। और नेक्स्ट इज अगेन कोजिक एसिड। कोजिक एसिड इज अगेन माई फेवरेट इंग्रेडिएंट व्हेन इट कम्स टू स्किन ब्राइटनिंग या यू नो टू रिमूव एनी काइंड सॉर्ट ऑफ डिस्कलरेशन हो, उसमें भी मैं कोजिक एसिड को बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ। कोजिक एसिड भी अल्फा आरब्यूटीन की तरह ही काम करता है, इट्स जस्ट दैट अल्फा आरब्यूटीन इज अ लिटिल बिट जेंटल देन कोजिक एसिड। कोजिक एसिड से मुझे याद है जब मैंने अपने स्किन केयर में डार्क स्पॉट्स के लिए लगाना स्टार्ट किया था तो कोजिक एसिड से हल्की सी इरिटेशन हुई थी, बट इट वॉज फाइन क्योंकि मेरी जो बैरियर थी ना स्किन की दैट वॉज नॉट वर्किंग वेल, इट वॉज डैमेज दैट टाइम, इसलिए हुआ था। सो अगेन कोजिक एसिड लगाने से पहले थोड़ा सा आपको अपना स्किन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, दैट्स वाई आई केप दिस ऑन द थर्ड ऑप्शन। बट येस, अगर आपकी स्किन में कोई रिएक्शंस नहीं होता है तो कोजिक एसिड को आप अल्फा आरब्यूटीन के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हो, इससे प्रोसेस फास्टर होता है एंड रिजल्ट बहुत जल्दी दिखती है एंड येस यू गेट योर ड्रीम इवन स्किन टोन। नेक्स्ट एंड द लास्ट विच इज़ माई फेवरेट
that is glutathione. Glutathione, it is an antioxidant and also one of the most helpful ingredient when it comes to failure and even skin tone. Ya skin ko agar brighten karna ho, glutathione is very good. Antioxidant ka matlab ye hota hai, jo bhi skin mein sun damage ki wajah se ya free radicals ki wajah se hamari skin mein problems ho rahi hai internally, jiski wajah se aapke skin mein already ye daag dhabbe, pigmentation, melasma dikh raha hai, antioxidant ka ye kaam hota hai ki free radicals ko damage karke skin ko pehle ki tarah banana, brighter bhi karna, lighten bhi karna, daag dhabbo ko mitana. So glutathione serum aap easily use kar sakte ho. So glutathione ke बहुत सारे बेनिफिट्स, एक तो है कि इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, फिर ये स्किन के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई भी करता है, फिर ये मेलानिन प्रोडक्शन को भी कम करता है. सो ऑल टुगेदर इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ ब्राइटर कम्प्लेक्शन. सो ग्लूटाथायोन भी कोई भी यूज़ कर सकता है. नाउ बारी आती है कि यस, आपकी ये चारों सीरम्स आपको एक साथ यूज़ करना है, नॉट नेसेसरी. प्लीज़ इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ स्किन केयर जर्नी, गो ग्रेजुअली. द प्रोसेस हैज़ टू बी वेरी सिंपल. सो एज़ोलिक एसिड से भी आप स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रेग्नेंट और हैव सेंसिटिव स्किन. और अगर नहीं है सेंसिटिव स्किन और प्रेग्नेंट भी नहीं हो, सो आर्बिटिन एंड कोजिक एसिड को मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो. ध्यान देना, एज़ोलिक एसिड छोड़ के जो भी मैंने लास्ट तीन सीरम्स आपको बताए हैं, वो रात को ही आप अपने स्किन केयर रूटीन में लेयर करना. एंड नेक्स्ट डे जब आप बाहर निकलते हो, डोंट फर्गेट टू वॉश इट ऑफ और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर एंड टॉप इट अप विद अ गुड सनस्क्रीन. सनस्क्रीन SPF 30 से ही होना चाहिए, सो दैट आपकी स्किन और डैमेज ना हो, बिकॉज वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर अनइवन स्किन टोन इट इज सन डैमेज. तो सन से भी स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. यू कैन लेट मी नो एनी ऑफ योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. आई ट्राई टू आंसर और आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. फॉर नाउ दिस इज इट एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.